लेट हो गए थोड़े आते हुए, बारिश मिल गई काफ़ी। और लकीली हमारे लिए ये रहा कि जब भी हम साइट सीन पे गए तो हमें कुछ ज़्यादा बारिश मिली नहीं, और जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे तभी बारिश मिली। अभी चेक इन हो गया, आपको जल्दी से दिखाता हूँ मेरा बजाना में मेरा रूम कैसा है। ये टी कॉफ़ी वगैरह सारा सामान पड़ा है, छोटा सा फ्रिज है, फ्रिज में क्या है चलिए देखते हैं। कुछ नहीं है, एक पानी की बोतल है अभी फ़िलहाल तो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वॉशरूम। हेलो दिस इज़ मी अलमीरा, कपड़े वपड़े टांगना हो तो। यह अपना शावर एरिया और फिर ये मेरा रूम है। सिटिंग एरिया बड़ा मस्त सा, बेड टेलीविज़न ये सब तो होता ही है काम करने के लिए, टेबल। और ये देखो ये चीज़ बड़ी मस्त है, यहाँ से जो यहाँ से व्यू है ना, देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जंगल के बीच में है। सुबह दिखाऊंगा आराम से, क्योंकि अभी तो कुछ अंधेरा सा हो रहा है, बारिश भी हो रही है तो इस वजह से ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आपको आराम से दिखाऊंगा मेरा कमरा। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, चाय कॉफ़ी पियो। यहाँ देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है। अरे वाह, ये काम तो बहुत बढ़िया हो गया, देखो यार। ओह, यहाँ तो आराम से रात को बैठ के कॉफ़ी पियो, चाय पियो, कुछ भी काम करो अपना। और ये व्यू है लिटरली इन द मिडल ऑफ नेचर, है ना, मस्त प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कुछ है मेरा रूम। बोलो भाई, पॉपुलर डिमांड पे आप सबको सामने हैं ये भाई साहब, इनका नाम है रोबर्टो, इसका नाम है पीना और ये एंजेलिका है। ये रहती है साउथ इटली में, सिसिलिया में, क्योंकि इसकी दादी जो है वो सिसिलिया में रहती है, और ये दोनों रहते हैं मिलान में। मिलानो विवेत, मिलानो नो सिसिलिया ओके ले अलमारे, ये कह रही है ये वहाँ पे रहते हैं सी के पास, बीच के पास। ये क्या चीज़ है? ओके ठीक है, बढ़िया, लेमन कोरिएंडर सूप है। अभी हम आ गए रेस्टोरेंट पे, और मज़े की बात ये है कि आज रेस्टोरेंट पे कोई नहीं है, ये सारा रेस्टोरेंट अपना ही है, खाने वाले। पनीर आ गई, मिक्स वेज आ गई, दाल आ गई, रोटी यहाँ पे है, आलू की सब्जी भी है और सलाद भी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज गए हैं 6:30, चलो दिन में अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। चाय बना लिए और आज लकीली बारिश भी नहीं हो रही, और ऐसे मौसम में तो इसका मजा तो कुछ और ही है। चलो अब जल्दी से रेडी होता हूँ, वॉक करके आता हूँ। कौन मिला है यहाँ पे? रस्टी। रस्टी चलो। वॉक करेगा? तेरी तो हाइट भी अच्छी रस्टी, हाइट भी मस्त है तेरी, दिखाओ अपनी शक्ल दिखा। वो तेरी चला जा, तेरा नाम क्या है? अरे बस ये कौन सी है? ये है, ये बच्ची है। अच्छा एक वर्ष की, एक की है ना? चार है, बाकी कहाँ है? दो 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 आम गए हैं। अबे रुक जा, तेरी चार है, दोनों घेरने में लगे हुए हो। अच्छा ये फीमेल है, वो मेल है। वॉक चल रही है, चलते आते आ गया हूँ बैक साइड पे इसके रिजॉर्ट की, जो है रॉयल सफारी कैंप
बजाना में, ये पड़ता है मेहसाना ज़िले में इफ़ आई एम राइट। और यहाँ पे फेमस लोकेशन है, अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हो और आपको सन टेंपल करना है और रानी की वाव करनी है जो एक फेमस डेस्टिनेशन है, तो आप यहाँ आ सकते हो, रुक सकते हो और फिर यहाँ से आगे अपना ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छी लोकेशन है, ब्रिस्क वॉक करी थी, थोड़ी रनिंग करी इसलिए ब्रेथ शॉर्ट हो रही है, पता नहीं मोटा हो रहा हूँ, वेट ज़्यादा हो गया इस वजह से भी शायद हो रहा हो लेकिन वेट कम करना पड़ेगा, लेट सी। ये जो आप देख रहे हो पूरा लिटरली नेचर में बना है, आसपास खेत हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे रूम्स बना रखे हैं, कबाना स्टाइल रूम्स है। मेरा रूम तो मैंने आपको कल दिखा ही दिया था और लिटरली ऐसे लग रहा है नेचर में वॉक कर रहे हो आप। मुझे तो अच्छा लगा यार, क्योंकि ऐसी इस टाइप की लोकेशन मेरे को ज़्यादा पसंद आती है, बिल्कुल लिटरली नेचर में आप वॉक कर सकते हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्टिविटीज़ हैं और लकीली पूरे रिजॉर्ट में कोई है ही नहीं क्योंकि ऑफ सीज़न का टाइम है, इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं तो इस वजह से कोई है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे हट्स बना रखे हैं, आई डोंट नो ये तरपाल क्यों बिछा रखा है, ऊपर ना तरपाल बिछा रखा है, प्रॉब्ली रेन हो रही है तो ये इसकी घास फूस गीली ना हो, ऊपर वाली जो खस होती है वो गीली ना हो, ख़राब ना हो, इस वजह से ये बिछा रखा है। झूले वूले भी हैं, ज़्यादा तो नहीं है, एक दो ही हैं, लेकिन सही है यार, अच्छी जगह है। फटाफट नहा धो के रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर चलते हैं अपनी बजाना सफारी पे, जो यहाँ की एक विलेज सफारी है। ऑल्सो यहाँ पे फेमस एक रिज़र्व है, वाइल्ड एसेस रिज़र्व है, वाइल्ड एस रिज़र्व जो यहाँ के अलावा तिब्बत में मिलते हैं और लद्दाख रीजन में मिलते हैं, तो आज वो देखने जाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट पपीते केक्स आ गए हैं, इससे शुरुआत करते हैं। ये अभिषेक है, काफ़ी सेवा कर रहा है हमारी, बस 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 बस, बस। क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई कितनी देर में आ जाएंगे वापस, क्या क्या देखने को मिल सकता है? अभी जाएंगे तो सर समथिंग 11:30-12 तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो वाइल्ड लाइफ में देखने को मिल जाएंगे? ना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 दिन से पिछले लगातार बारिश हो रही है, तो सेंचुरी में जाने के लिए अभी बंद है। अच्छा, गाड़ी फंसेगी मतलब? हाँ, गाड़ी फंसेगी। ये हमारी जीप है आज की, ओपन जीप, जो होटल से होटल की ही है ना, और ये बजाना सफारी कराती है। देखते हैं क्या किस्मत रहती है हमारी, क्या देखने को मिलता है। ये लोग आ रहे हैं अभी अगले 5 मिनट में और फिर सफारी की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है बच्चे? अंजलि। पांचवी? ओ चलो जीत रहो। हम यहाँ पे घर देखने आए हैं गांव में और इसको आपके वो पसंद आ रहे हैं जो कान में आपने पहने हुए हैं ना इयर रिंग, फोटो खींची वो दिखा रही है वो आपको। स्कूल दिखाने आया हूँ इनको और इनको पसंद भी आ रहा है स्कूल, अभी दिखाते हैं बच्चों के लिए खाना वाना बन रहा है यहाँ पे, दाल और चावल बन रहा है बच्चों के लिए यहाँ पे है। अच्छा, भुजिया भी बन तल के तैयार है। ये आए हैं इटली से, आए हैं आप लोगों से मिलने, तो उनका वेलकम तो कर दो, नमस्ते वमस्ते तो कुछ तो बोल दो, विदान नो बेन वनू तो होती। और फिर इनको खिलाया जाए, छोटा सा स्कूल है, लगभग 90 से 100 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे अध्यापक जी बता रहे थे यहाँ के टीचर। आप कौन सी क्लास में हो? इधर आ, ओ भाग गया ये डर के भाग गया। कौन सी क्लास में हो आप? कौन सी क्लास में हो? चौथी में। कितने साल का है? कितने साल के हो?
नौ का है? ट्रेन हो, ट्रेन जा रही है यहाँ बच्चों की। ट्रेन टूट गई, ये ट्रेन टूट गई। ट्रेन टूट गई, चलो ट्रेन बनाओ 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 जल्दी। अच्छा स्कूल का मजा है। अरे क्या है, अरे आ गया मंगूस, आ गया बाहर। उसी तो फुआरी, वही देखो ये कैसा है। बहुत सारे दिख गए हैं यहाँ पे, पहला आया है वीडियो में।